शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभ्रांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं जोगिर्विधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। विश्व ब्रह्मांडर अधिनायक परमात्मा परमेश्वरंकर अभय पदकंजरी अनंत अनंत शतकोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात पूर्वक माँ माने बाबा माने आपण मानकु अद्य दिव्य कार्तिक मास पवित्र कार्तिक मासर ये सुप्रभात को आपण मानकु स्वागत। पूर्व प्रसंग रे आपण माने श्रवण करूथिले देवऋषि नारद पहुँची छंती जगदंधरंक पाखरे एवं बुझेई छंती हे राजा तम पाखरे सबु अछि मात्र दिव्य कामिनीटिए नाही भव्य सुंदरी स्त्रीटिए तुम पाखरे नाही वृंदावती ठारु आहुरी सहे गुणरे अधिका सुंदरी एवं सुश्री पार्वती अछंती कैलाश पर्वतरे भगवान शंकरंक पाखरे। जदि से भवि गमनी तुम पाखरे थांता ताले तुमर श्री सौंदर्य आभिजात्य प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति इज विलासपूर्ण प्रसाद भितरी तुमर रमणी उपस्थापित ही गले ये प्रसाद आहुरी द्विगुणित सुंदर हो जाता। नारदंक कथा श्रवण करि सारिबा परि जळंधर आज चिठीटे हाथ में धरे राहु को पठाई कहा पाखकु ना भगवान शंकर पाखकु पहुँची गले राहु कौटी ना कैलाश पर्वतरे हाथ जोड़े कहले हे भगवान आपण निमंत एक सुंदर सन्देश पठाई केसना राजा जळंधर पढ़ुंट सन्देश केसना राहु आपण निकटने भव्य रमणी पार्वती को जदि आपण दान करिवे कहाकु ना जळंधर को ताहले आपण कुशल रहिवे सर्वसुखरे रहिवे। सुंदर कथा को आपणकर कार्तिक महात्म्य माध्यम महादेव दास उपस्थापन करिसंती गौरी बंत झियो जळंधर को ताकु दियो तुम्हें स्वभावे तपचारी तुम्हको आभूषण नारी तुम्हें तो स्वतंत्र भाव तपस्या रे प्रतीक समय रे निमग्न रहुच तुम्हें तो हूँ तपस्वी तपचारी तेणु तुमको आभूषण नारी अतएव यही सिद्धांत उपनीत होगा कि राहु कहिले हे महादेव हे देवाधिदेव तुम्हें एत दिव्य सुंदर स्त्री आवश्यकता किसी ना कहीं तपचारी व्यक्ति पाखे ये सुंदरी स्त्री आवश्यकता किसी ना तेणु तुम्हें राजा जळंधर को तुम निजर पत्नी बा युवती पार्वती को प्रदान कले तुम्हें आनंद कुशल समस्त प्रकार आभिजात्य प्रतिष्ठा भितर बंचीव कहीं तुम्हें सब सुविधा करदेवे राजा जळंधर। परमात्मा शंकर विचार कले जेतेबेले मनुष्यर पतन समय आसे सेतेबेले मनुष्य भितर कौन हुए ना दुर्बुद्धि जाग्रत हुए राक्षस प्रवृत्ति निज को अधिष्ठित करिथिबा प्रतिष्ठित करिथिबा राजा जळंधर बोध हुए हूँ मति भ्रम जी ब्रह्मांड को तैयारी करिबा वाला जी ब्रह्मांड को पालन करिबा वाला जी ब्रह्मांड को संहार करिबा वाला जी आशुतोष अल्पर जी तोष हमती नीतिवाणी शुणी किए ना राहु। परमात्मा शंकर भगवान कोप प्रज्वलित है प्रभु थर लगिले पाद मस्तक पर्यंत भगवान प्रकंपित होगा लगिले कहले राहु तुम्हें जो भी भाव में राजा जळंधर संदेश को मन कोट उपस्थापित कल जदि तुम्हें दूत नई था तुम्हें ए पर्यंत मो सामने ढड़ा होबार सौभाग्य अर्जन कर पार था मात्र दूत बध करवा जड़े ज्ञानी लोकर कर्तव्य नुहे यही दृष्टिकोण को तुम्हें बंची जाऊ सत्य मात्र तुम राजा जळंधर को कह जे तार विनाशर समय आसी पहुँचुंच तथापि
भगवान शंकरंकर क्रोध प्रशमन हेला नाही एवं तांको देहरु एक सुंदर भावरे ज्योति उत्पन्न हेला एवं से ज्योति एक विराट रूप धारण करी एक मूर्ति बा एक विग्रह बा एक व्यक्ति उपस्थापित हेला। चतुर्दिगरे हाहाकार छुटिगला, ब्रह्मांड कंपिबा को लागिला। शंकर भगवान आउ थय ही रही पारे ना, पाद तले पड़गले केश नाराहु। दंडिवा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचरई, पाद तले पड़ी जाउछंती केश नाराहु। राहु हे महाभाग, हे महानुभव, हे महाप्रभु, आपण को भवि व्यक्ति ब्रह्मांड रे केही नाहंती। आपण देवाधिदेव महादेव, आपण ए अधम सेवक को रक्षा करंतु। त्राहिमांग त्राहिमांग त्राहिमांग, रक्षमांग रक्षमांग रक्षमांग। पाद तले पड़गले केश नाराहु। भगवान टे संतुष्ट होगले, कहे ठीक अच्छे, आस्त होवार किसी आवश्यक ना, तुम्हें बंचीगल सत्य। मात्र अभय सिना राहु को प्रभु परमात्मा शंकर प्रदान करदे, हेले जन्म होता विराट काय मूर्ति तार क्रोध आज्ञा प्रशमित है। क्षुधारे उदर जलुची, पचारे प्रभु मत कौन खावा दि, कौन दिहब किबन कहीं तुम शरीर को चाहिए ये ब्रह्मांड में एमती किसी खाद्य ना जहाँ तुम उदर परिपूर्ण कर। तेणु भगवान कौन कले ना, जेतेबेले सेही विग्रह को मना करदे, से ही विग्रह भगवान देहर जात होता प्रतिच्छवि कौन कले ना, निज शरीर को निजे ग्रास करने को लगिले। सुंदर भाव आज निज शरीर को पाद ठारू हृदय पर्यंत जेतेबेले ग्रास कले, सेतेबेले भगवान शंकर देखुछंती यहा पर अवस्था कौन हबो। निश्चिंत भाव आगामी प्रसंग आम शुणा, आज पाई समय होती। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।